जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और ये रही हमारी प्यारी श्यामा और प्यारा कन्हैया और यहाँ पे प्यारा राधे, यहाँ पप्पू और लड्डू। सभी बड़े ही आराम से बैठे हुए हैं। अब इनका ये दूध का टाइम है तो अब सब दूध पियेंगे। इसी बीच मैंने कहा जल्दी से मैं वीडियो बना देती हूँ क्योंकि लेट हो जाता है थोड़ा सा। और यहाँ बैठे हैं हमारे प्यारे बाबा और यहाँ है प्यारी वैष्णो, ये देखिए। और यहाँ पर है प्यारी चुटकी और यहाँ पर है गोपाल और प्रियाजू। छोटे बच्चे तो सबसे पहले दूध ले लेते हैं। वो छोटे हैं ना, तो अभी वो बिस्किट्स लेके बैठे हुए हैं सभी। अब उनको फिर खोल के दिए जाएंगे दूध के साथ। तो चलिए, मैं तब तक आप सबको लीला सुना देती हूँ, ठीक है। आज की जो लीला है वो घर से शुरू होती है। इसी रूम में रात को, क्योंकि सारे बच्चे तो अपने रूम में चले जाते हैं बेडरूम में, तो हम यहीं पे आजकल लेट जाते हैं, मैं भी और सोना भी। और बच्चे जो हैं बच्चों वाले रूम में ही मतलब लेट जाते हैं, वहाँ पे भी उस कमरे में भी एसी है क्योंकि बेडरूम में तो इनके है ही। तो इन्होंने अब हमें परमिशन दे दी है कि भाई जब ज़्यादा गर्मी हो तो हम इनके रूम में आ सकते हैं। आज अच्छाई पड़ रही है, देखो प्रिया जी कुछ साइड में ही है, तो आज हम गोपाल जी को लेकर ही बात वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे लेटे हुए हैं हमारे बिहारी जी जो हैं वो सामने खड़े हुए हैं। लेकिन अब एक लीला में एक पार्ट आता है कि सेविका स्वप्न में होते हुए भी प्रभु उसको स्वप्न में ही ये दिखा रहे हैं कि बिहारी जी आए हैं। तो सेविका से बोल रही है, हाँ बिहारी जी आए हैं, जाके मैया से बता देना। बोला हाँ मैया से बता देना, जो जो बिहारी जी बोल रहे हैं सेविका उसको रिपीट कर रही है। मतलब सपने में सपना है, ठीक है, यानी प्रभु ये बताना चाहते कि वो सपने में नहीं आए हैं, वो रियल में आए हैं जो भी बताने आए हैं। तो सेविका कहती है, हाँ मेरे को आप जाके दिव्या को ये बताना है, बिहारी जी आए हैं, बिहारी जी ने ऐसे कहा है, और ये बातें वो रिपीट कर रही है। तभी बिहारी जी कहते हैं, चुपचाप से उठ के मेरे साथ चल। तो वो कहती है, कहाँ? बोले आराम से उठ। सेविका जो है उठती है, जैसे ही घर के बाहर कदम रखते हैं, बाहर कदम रखते ही ये अपने आप को वृंदावन में पाती है सेविका। वो देखती है कि अब वो वृंदावन में है। तभी कान्हा जी से उसकी बातें चलने लगती है और वो कान्हा जी उसे बोलने लगते हैं कि क्या बोल रही थी तुम, अब बताओ क्या कह रही थी। तो वो बोले, मैं क्या कह रही थी कान्हा जी? बोले, नहीं नहीं तुम्हारे बहुत सवाल थे। बोले, यही कि आप मुझे प्यार नहीं करते हो, आप मुझे प्यार करते होते तो माया मुझे नहीं पकड़ती, आप हमेशा मुझे माया के हाथ में दे देते हो और माया मुझे जकड़ लेती है। तो कान्हा जी कहने लगे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बार बार आता हूँ, तुमको बहुत सारी बातें समझाता हूँ, पर तू ही किस उस समझती ही नहीं है। और मैंने जो तुमसे सखी का रिश्ता बनाया मैं तो निभा रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं निभा रही हो। तो सेविका कहती है, ऐसे मत बोल, मैं तुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो बोले, क्या बोला? बोले, हाँ कि मैं तुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो कान्हा जी कहते हैं, जान से भी ज़्यादा? ठीक है, तू मर के दिखा भी। तो बोले, ये क्या बात हुई? बोले, और क्या, जान से ज़्यादा तो मर नहीं हुआ ना। बोले, हाँ तो फिर मरेगी क्या? बोले, नहीं। बोला, जो जो व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं वो सब नौटंकी है, जान से ज़्यादा प्यार करते हो मर जाओगे क्या, खुद को मार दोगे क्या, सब झूठ है। अरे यहाँ तक कि मैं तो ऐसे ऐसे भक्तों को भी पकड़ के तुझे दिखा सकता हूँ कि कन्हैया की कसम, राधा रानी की कसम, और फिर भी सब झूठ बोलते हैं, सारी चीज़ें झूठ बोलते हैं, मेरी ही कसम खाते हैं मेरे ही सामने और मुकर जाते हैं, बता। तो सेविका कहने लगी, कान्हा जी आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो कान्हा जी कहते हैं, पिछले जन्म में भी ऐसे ही थी, इस जन्म में भी ऐसे ही है, एक नंबर की ड्रामेबाज, ड्रामा बंद कर,
इस ड्रामे से कुछ नहीं होगा। और इस बार समझाया है ना, मैं फिर नहीं समझाऊंगा, याद रखना। मैं फिर कोई भी चीज़ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक बार करता हूँ, दो बार करता हूँ, बार बार नहीं करता हूँ। तू मुझसे रिश्ता तोड़ सकती है लेकिन मैं नहीं। ऐसे ही अनंत भक्त मुझसे रिश्ता जोड़ तो लेते हैं लेकिन निभाता कोई नहीं। तो वो कह रही, कान्हा जी लेकिन हम तो बच ही नहीं पाते, क्या माया को आपसे दुश्मनी है क्या? बोले, नहीं मुझसे दुश्मनी नहीं है। तो बोले, फिर जैसे ही आपका नाम लो वो चिढ़ जाती है? बोले, चिढ़ नहीं जाती है। माया से होकर गुजरना और गुजर कर मुझे पाना, यही तो सृष्टि में काम है। तो बोले, वो कैसे होगा कान्हा जी? बोले, मैं बार बार तुम सबको मना करता हूँ ना, किसी की बुराई नहीं करना, क्योंकि जिसकी तुम बुराई कर रहे हो वो तो पहले से माया में है ना? और जो माया में है तो माया उसके साथ खेल रही है, इसलिए वो ऐसा है। और जब तुम उसी इंसान की बात करने लगते हो तो माया की नज़र तुम पर पड़ जाती है, क्योंकि तुम भी वही कर्म करने लगे ना, इसीलिए माया तुमको जकड़ लेती है। इसीलिए कहता हूँ, कोई भी हो, पंडित हो, पंडा हो, जो जो कर रहा है उनको छोड़ दो, तुम मत बोलो। माया तो उनके साथ खेल रही है और उनको इशारों पर नचा रही है। और जब जब तुम उनकी बात करोगे, जब जब तुम उसके बारे में चर्चा करोगे, तो माया की नज़र तुम पर पड़ जाएगी और वो तुम्हारी तरफ आ जाएगी। समझ आया मेरी कोई बात? तो सिर्फ कह रही, हाँ समझ आ गया कि मैं उनके बारे में नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी वो करते ना। बोला, कहा ना इतना समझाया फिर भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं तेरा? तो सिर्फ कहने, क्या कर सकती हो कान्हा जी, आप मेरी चक्षु खोल दो जिससे मेरी मुझे वो ज्ञान मिल जाए। बोला, ये ज्ञान ही तो दे रहा हूँ, और क्या दे रहा हूँ, ये ज्ञान ही तो है। अब उसको समझना ना समझना, व्यवहार में लाना तुम्हारा कर्तव्य है। बोले, अच्छा ठीक है कान्हा जी, अब मैं ध्यान रखूँगी। और क्या तुम बार बार मुझे बोलती हो मैं चली जाऊँगी, मुझे इधर जाना है, ये मत बोला करो, मुझे कष्ट होता है। तो बोली, तब आप फिर मुझे भाव क्यों नहीं देते हो जब मैं ऐसे बोलती हूँ? बोले, मैं बार बार भाव नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, जब कोई ये सारी चीज़ें पाने के बाद भी मुझे छोड़ने की बात करता है तो मैं भी छोड़ देता हूँ। और फिर मैं कहता हूँ कि जो करना है वो कर दो, मैं माया भी दे देता हूँ। ऐसा है, तुमको चाहिए तुम भी ले लो। तो उसे वगैरह, नहीं कान्हा जी, मुझे आप ऐसा मत करना, आप मुझे मत छोड़ना। तो कान्हा जी बोले, मैं तभी तो समझा रहा हूँ ना कि जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दो। तो सेविका कहती है, अच्छा बताओ किस किस चीज़ पर ध्यान देना है? बोले, चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं जो चीज़ लेता हूँ या जो चीज़ मैं देता हूँ उसको लेना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। बोले, हाँ कान्हा जी, चलो मैं तुम्हें वृंदावन की एक बात बताता हूँ। वो एक भक्त का नाम लेते हैं लेकिन वो मैं वीडियोज़ में नहीं ले सकती, और कहते हैं कि वो मेरे नाम से ही बहुत सारे काम कर रहा था। अब मेरे नाम से था तो मैं खुश हो गया, अब मुझे भी परीक्षा लेनी थी, मैंने उसे अपार धन दे दिया। जब मैंने अपार धन दिया तो उसने अब मेरी बात को नहीं समझा, उसने मुझे देना बंद कर दिया, उसने मेरी ही बात की अवहेलना करनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि मैंने उसको दर्शन भी दे दिए। उसके बाद भी वो माया में ग्रस्त हो गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? माया ने उसकी सारे, जानती है कितना? बोले, कितना, 5 करोड़ उसके 0 कर दिए, सब लूट गया। मैंने वो वृंदावन में सड़क बनाने के लिए दिए थे। बोले, अच्छा, वहाँ की सड़कों को सही करने के लिए, और आज वहाँ पर ही उन सड़कों पर वो अपनी इस बुजुर्ग अवस्था में भी झाड़ू लगा रहे हैं। बोले, क्या कह रहे हो कान्हा जी, ऐसा भी है? बोले, हाँ, और आज वो इस स्थिति में है कि वो ना ये बात किसी से कह सकते हैं और ना ही कोई इस बात पर यकीन करेगा। बोले, ऐसा है कान्हा जी? बोले, हाँ, ये सारी धन दौलत, ये सारी दुनिया, ये सारी ज़मीन सब मेरी है, सबने ले रखी है। तो बोले, कान्हा जी आप हमारे लिए भी तो दे रहे थे ना, आप हमें भी तो दे रहे हो। तो बोले, हाँ, लेकिन सेविका बोले, लेकिन हमारे पास उतना तो है नहीं। तो बोले, सब हो जाएगा, मैं सब करूँगा, मेरी ही ज़मीन अब तुम्हें खरीदनी पड़ेगी क्योंकि औरों ने हड़पी है, तो वो तुम्हारे नाम करवाने का जिम्मा मेरा।
बोले तो कान्हा जी क्या बिना पैसों के हो जाएगी? बोले नहीं, पैसों से ही होगी लेकिन अच्छी कमाई से होगी, इसलिए थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करते जाओ, सब होता चला जाएगा। बोले ठीक है कान्हा जी, अगर आप कहोगे तो हम कर लेंगे। तो वो बोले लेकिन ये याद रखना, मैंने भी तुमको शुरू से समझाया ना, कि क्या समझाया कान्हा जी, यही कि इस धन दौलत पे अपना हक ना समझे कोई भी। जो जो मनुष्य ये सोचता है कि ये मैंने किया है, ये उसका दंभ है और इसी दंभ में वो मारा जाता है। मुझे जिस प्रकार देने में देर नहीं लगती, उसी प्रकार लेने में भी देर नहीं लगती। तो बोले हाँ कान्हा जी, ऐसे ही एक और मैया थी। बोले फिर क्या हुआ कान्हा जी? मैंने उनसे कहा था कि कुछ संतों के लिए करना है, उन्होंने संतों के लिए ना करके बिल्डिंगें बनवाने की कोशिश की, और जब बिल्डिंग बनवाने की कोशिश की, मैंने वो सारी बिल्डिंग खाली करवा दी। पता है तुमको? सिर को बोले नहीं कान्हा जी, मुझे नहीं पता। आज वही मैया, अब मैं ही उनको संभाल रहा हूँ बुढ़ापे में। बोले आप संभालते भी हो? बोले हाँ, जिम्मा तो मैंने ही लिया था ना, क्योंकि उन्होंने भक्ति भी अच्छी की थी, तो मैं समझाने के लिए और कितना बता सकता हूँ, यही तो ज्ञान है, अब वो समझने की ज़रूरत तुमको है। तो वो कहने लगी कान्हा जी तो मैं कैसे समझूँ? बोला कुछ नहीं, किताब में लिखना शुरू करो। बोले क्या लिखना है? जो मैं बताऊं, और अब से 3 दिन बाद फिर आऊँगा और फिर पूछूंगा कि तुमने क्या उस पर परिवर्तन और क्या किया। बोला तुमको कुछ नहीं करना है, जब तुमको माया सताए तो सिर्फ इस प्रश्न का जवाब तुम्हें ढूंढना है, मतलब सिर्फ विचार करना है। बोले क्या? कि इस दुनिया में क्या तुम्हारा है, क्या करना है इस दुनिया में, क्या तुम्हारा है और क्या तुम लेकर आए थे और क्या तुम दे के जाओगे, बस इस पर विचार करना है, इसके सिवा तुमको कुछ नहीं करना है, और इसको डायरी में लिख लेना। तो सिर को बोले ठीक है कान्हा जी, मैं लिख लूँगी, और जब जब तुमको ये लगे कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, मुझे कुछ और चाहिए, तब इसको पढ़ लेना, ठीक है, तुम्हें सब समझ में आने लगेगा। तो सिर वगैरह ठीक है कान्हा जी, मैं ये पूरी कोशिश करूँगी, मैं इसको लिख लूँगी। दूसरी बात, जो तुमको मिल रहा है वो मैं दे रहा हूँ, और जो मैं दे रहा हूँ उसमें तुमको संतुष्ट होना पड़ेगा। वो बोली ऐसा क्यों कान्हा जी, आप तो ज़्यादा भी दे सकते हो। बोले ज़्यादा नहीं दे सकता, अगर मैं तुमसे मांगने लग जाऊँ तो जो जो मैं मांगूँगा क्या तुम सब दे पाओगे मुझे? तो बोले नहीं। तो जब तुम मुझे नहीं दे सकते तो मैं जो दे रहा हूँ उसमें तुम खुश हो जाओ, क्योंकि मैं भी तो किसी से नहीं मांगता ना, और जो तुमसे मांगता हूँ वो तुम्हारे ही कल्याण के लिए होता है, जिसे तुम सेवा के रूप में करते हो, है ना। तुम कोई चीज़ पहनाते हो, कुछ अर्पण करते हो, तो वो किस लिए करते हो? अपना ही कल्याण करवाने के लिए। मैं सज धज के क्यों बैठता हूँ, कभी सोचा? तो सेवा बोले नहीं कान्हा जी, हमको नहीं पता, मैं सस्ता इसलिए हूँ ताकि तुम्हें आनंद मिले। मैं ही तुम्हें लंगोट में भी घूम सकता हूँ, मैं तो छोटा सा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इतना सजने के लिए? वो इसलिए ताकि तुम सबको आनंद मिले। तुम सबको जब आनंद मिलता है, ऐसे ही सजा हुआ तुम्हें देखकर मुझे आनंद मिलता है, तुम जब खुश होते हो मुझे आनंद मिलता है, लेकिन अच्छी चीज़ों के साथ। तो सेविका कहने ठीक है कान्हा जी, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। तो वो बोले अगर तुम मेरा बात का ध्यान नहीं भी रखोगे तो याद रखना, मैं मैया को पहले बुलाऊँगा, तुमको बाद में। तो बोले नहीं कान्हा जी, तुम मेरे हो, मैं ही पहले आऊँगी। बोले नहीं, जो मेरी बात का ध्यान रखेगा उसको मैं पहले बुलाऊँगा। यहाँ पर मैंने तुमको एक चीज़ दी कि तुम मुझे देख सकती हो, उसके बाद भी अगर तुम इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सेविका बोली ठीक है कान्हा जी, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी, और अगर तुम इस चीज़ को छोड़ कर जाती हो तो मैं तुमको देखना बंद हो जाऊँगा। इस तरह बोलकर कान्हा जी बोले बाकी सब चीज़ें अपनी तरह स्वतः चलती रहेंगी, और ये बोलकर कान्हा जी बोलने लगे। तो सेवा बोले ठीक है कान्हा जी, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। कान्हा जी बोले हे भगवान, मैंने इतना सारा ज्ञान दिया, तुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। तो सेवा कहते नहीं कान्हा जी, आप जाइए मत, आप मेरे को ज्ञान दो। बोला मैंने कहा ना, जो मैं बताऊँ उसे अभी फ़िलहाल इतना ही लिखना है कि क्या मेरा है, इस दुनिया में क्या लेके आया था, क्या लेके जाऊंगा, किसको मैंने क्या दिया, किसी ने तुमको क्या दिया, ठीक है।
और तुमको जो मिल रहा है उतने में तुमको खुश होना है, क्योंकि वही प्रभु ने तुमको दिया है और वही सिर्फ तुम्हारा है। इस बात का ध्यान रखना। बोले ठीक है कान्हा जी, मैं करूँगी। तो वो कहने लगे, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें सारी चीज़ पहले से कैसे पता चलती है। बोले कि कान्हा जी, मुझे दिव्या के द्वारा मैं जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ। तो क्या वो आपका माध्यम है? बोले हाँ, वो मेरा ही माध्यम होता है, मेरे द्वारा ही वो चीज़ पहुँचाई जाती है। बस अंतर ये होता है कि तुम समझ नहीं पाते। बोले वो कैसे? एक लीला सुनाता हूँ। तो कान्हा जी एक लीला सुनाते हैं। एक भक्त था जो एक ठेकेदार के यहाँ काम करता था। वहाँ पर काम करते हुए उन्होंने एक बार बिहारी जी की तस्वीर देखी, यानी मेरी। फिर बोला कुछ नहीं, उसने और ये सब भी मैं ही कर रहा था। उसने कहा ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये कहाँ मिलेंगे? तो वो ठेकेदार बोला कि मैं इनके पास हर महीने जाता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलना वृंदावन। तो वो बोले कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं तभी जाऊँगा जब बिहारी जी मुझे बुलाएंगे। तो मैं इंतज़ार करूँगा और मैं तभी उनके पास जाऊँगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो ठेकेदार बोला ठीक है, अगले महीने चलते हैं। ये चीज़ करते हुए ठेकेदार जो है पैसे जोड़ने लगता है और एक दो महीने में उसके पास पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं। ठेकेदार तो वृंदावन गया हुआ था, अचानक से ठेकेदार आता है और कहता है चलो वृंदावन चलो। तो वो कहता है नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे बिहारी जी ने नहीं बुलाया है। ऐसे ही वो ठेकेदार कई बार उसके पास आया और बोला कि चलो अब तुम चलो, अब तो पैसे हो गए। बोले नहीं, मुझे तुम्हारे बिहारी जी ने नहीं बुलाया, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। और ये बोलते हुए एक रात वो बहुत रोया और कहा कि बिहारी जी मुझे नहीं बुला रहे हैं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। ये चीज़ करके जब वो सोया तो रात में ही बिहारी जी उस ठेकेदार के रूप में उसके स्वप्न में आए और बोले लो बिहारी जी के पास तुम नहीं गए हो, ये लो प्रसाद तो खा लो। और जैसे ही वो प्रसाद मैंने लिया, मतलब उसने लिया, तो उसको समझ आ गया और मैंने उसको अपने दर्शन देकर कहा कि बिहारी जी ही तुमको बुला रहे थे। वो उन्होंने रूप ज़रूर उसका धारण किया था, लेकिन इसी प्रकार मेरी बहुत सारी महिमाएं हैं, मेरी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से दर्शन हैं जो मैं इसी प्रकार देता हूँ। लेकिन ये समझने के लिए तुम्हारे अंदर तुम्हें जो ज्ञान दिया है उसका तुम्हें ध्येय रखना होगा, तुम्हें उसका अपने अंदर ज्ञान को उजागर करना होगा, उस ज्ञान के प्रकाश को समझना होगा। तो ये बात बोलकर सेविका कहती ठीक है कान्हा जी, मैं इस बात का ध्यान रखूँगी। अब मैं पूरी तरह से आपकी एक एक बात का ध्यान रखूँगी, यानी कि दिव्या मुझे लेकर जाती है तो वो आपका माध्यम है। बोले हाँ, ये कोई भी हो सकता है, अभी फ़िलहाल वही हैं। और इस तरह बोलकर कान्हा जी ने आज का ये ज्ञान दिया। तो प्यारे भक्तों, इस ज्ञान में बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रभु ने कही हैं। अब आप ये खाली लीला ही सुन लीजिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, पोस्ट नहीं हो पाएगी। तो ये सारी लीला के पीछे बड़े राज हैं, समझ जाइए। और सबके लिए इसमें ज्ञान मिल चुका है, बाकी तो मैं आपको कल की लीला में बताऊंगी। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।